अस्सलामु अलैकुम माई टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और ये जो है ना वो मॉर्निंग का टाइम है, असद और हस्बैंड जो है ना वो पढ़ने गए हुए हैं ईद नमाज, अबीहा अभी तक सो रही है। और मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी सब समेट दिया है और मुझे पता कि अब जो है वो आके चले जाएंगे, सीधा ग्राउंड जाएंगे, वहाँ से गोश्त मिनट में वो बकरा ज़बह करके उसकी खाल उतार के वो ले आएंगे। और उसके बाद जो है ना वो मैंने उनके साथ मिलके बस गोश्त ही कर जो है वो सर्व करना होता है। और ईद वाले दिन ना नए कपड़े मैंने हालांकि कुछ 10 सूट सिलवाए हैं और मुझे पता है कि मुझसे उनमें से एक भी नहीं पहना जाएगा, क्योंकि बकरा ईद वाले दिन ना मुझसे कहीं भी नहीं बकरा निकला जाता है। बाहर से ज़िबा होके आ गया है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से अच्छा गोश्त निकला है। और पिछले लास्ट जो बकराई थी ना, उस पे रुस्तम ने अकेले ने पूरा बकरा काटा था, और लगता है आज भी अकेले ही काटेंगे। इनके जो ब्रदर इन लॉ है ना, वैसे वो शायद आए, रुस्तम आएंगे या नहीं पता नहीं, अगर वो ना आए तो आज भी इंशाल्लाह रुस्तम बकरा अकेला काटेगा। और असर साथ काटेगा, साथ में असर काटेगा, क्या कह रहे हैं असर? दोनों साइड बैठी है। सबसे पहले बनेगी कलेजी, हाँ जी पापा और मैं खाएंगे। उधर जाके बताओ क्या कह रही हो, पापा और मैं खाएंगे। जरा लाउड बताओ क्या कह रही हो, इधर देख के बताओ क्या। नबीहा को कलेजी पसंद है तो कहती है कलेजी, ये समझिए कि ये मुर्गी की कलेजी है। नबीहा ये कलेजी इतनी बड़ी होती है, ये कलेजी है? Yes. ये नबीहा को ना मुर्गी की छोटी सी कलेजी का पता और इतनी बड़ी कलेजी का नहीं पता है, तो कहती है ये कलेजी है, फिर कहती है पता है मम्मा। तो ये तो बेटा ये नए जूते क्यों पहन के गए थे, वो गंदे वाले पहन के जाते हैं ना, नए जूतों का क्या हाल कर रहे हो आप? थोड़ी मिट्टी चुपकी हो कोई बस। चलो खैर अब गीले नहीं करना, वो गंदे वाले पुराने पहन के जाने थे। मेरे अच्छे हैं? हाँ ये अच्छे हैं जी इनके, ये चांद रात को ये वाले जूते लाई थी, इसी की फरमाइश पे लेके आए थे। तो मौसम आज भी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, अदरवाइज अच्छा है। टू थ्री जी। तो बड़ा लेग पीस बनेगा, लेकिन हमें लेग पीस, ये भी मुर्गी वाली बात कर रहा है, बड़ा सा लेग पीस बनेगा। असर हाथ हो गया, असल में इसका हम लेग पीस असर बना नहीं सकते ना, इसके हिस्से करते हैं। इसकी हड्डी दिखाऊं? सुनो ना, इसका लेग पीस हम नहीं बना सकते, इसके फुल के हिस्से करते हैं और पाए बनाएंगे। और इसकी कलेजी ने बिया नहीं, धो लेंगे ये वो कब? नहीं अभी कीड़ियां हो जाएगी ना, पोछा कौन करेगा? फिर वो फेंकना ही पड़ेगा, स्मेल हो जाएगी उसमें। सो चलें जी, बाकी जो गोश्त काट के मिलते हैं। अच्छा कलेजी बना के दे दी सबसे पहले, और कलेजी जो है उसको बना लेते हैं। अच्छा कुर्बानी वाले दिन जल्दी भूख पता नहीं क्यों लग जाती है, ये नहीं समझ आती। तो ये कुर्बानी मैंने कलेजी बनने को रखी है और ये कलेजी बन के हो गई है रेडी, फ्राई कलेजी है, बहुत ही मज़े की। आप लोगों को भी भूख लग रही है ना इसको देख के, तो बस मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, बहुत ही लजीज तरीके से बनाई है। और इसमें जस्ट लास्ट में मैंने ना गरम मसाला और सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है, और ये तीनों बन हो गए हैं रेडी। और ये जो है ना मैंने आप लोगों के साथ इनके ड्रेसेस शेयर किए थे, और रुस्तम ने इतना सारा माशाल्लाह से गोश्त बना लिया है, और अब ये कलेजी बन के आ गई है। तो मैंने इनको ट्राई करने को दी है, और इन्होंने आधा बनाया और हम लोगों ने जो है ना वो खाना खाया, और फिर इन्होंने आधा जो है ना वो खाना खाने के बाद बनाया। तो इस तरह से जो है ना वो गोश्त बनाया, फिर ये सर्व करते करते जो है ना वो शाम हो गई। फिर शाम में जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉज मेरी नंदे रहती हैं, तो उनकी तरफ हम लोग देने गए, और मेरी तो बस ऐसे ही जो है ना वो समझें कि गुजर गई। और हस्बैंड कह रहे थे कि ये बकरा काटने के बाद बाँटने के बाद लगता है ईद ख़त्म हो गई है मतलब। और ये फिर उन्होंने क्या किया, खाना खाया, आधा बकरा भी काटा, अब आधा नहीं काटा था। फिर खाने के बाद जो है वो काजू वाली खीर खाई है, और खा खू के ये दोबारा से जो है ना वो बकरा काटने बैठ गए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इन्होंने ये देखें ये सब इन्होंने काट लिया है। अब जो है वो इसके माशाल्लाह से हमारा पतीला काफ़ी बड़ा है, कैमरे में शायद छोटा आ रहा है, तो माशाल्लाह अच्छा गोश्त निकला उसमें से। और ये फिर अब तीन जो है ना वो हिस्से होंगे, फिर
फिर जो है वो असद और अबीहा देने गए, बांटने गए, और उसके बाद जो है ना शाम में फिर जो है ना हम लोग ने मेरी सिस्टर लॉज के घर गए। ये देखे तीन हिस्से हो गए और अब जो है वो इनको डालते हैं जिन भी शॉपरों में डालना है, और जहाँ जहाँ बांटना था बस बांट दिया है। और असद जो है ना वो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसने कुर्बानी पे जो है ना वो गोश्त जो है ना वो सारा काटा होता है। तो ये सब शॉपरों में डल गया है और ये जो है ना वो अब बस जिस जिसको देना है उसको देंगे एक हिस्सा हमारा, और जो है बाकी जो जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। अल्लाह बस कुर्बानी कबूल करेगी। आज का व्लॉग था, ईद व्लॉग ऐसा लगा।